दोस्तों Redmi 9 जो है मलेशिया में आज लॉन्च हो गया है, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है क्या आएगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा Redmi 9 की फुल स्पेसिफिकेशन और Redmi 9 की जो है प्राइस वगैरह क्या मिलेगी आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर और कब ये जो है इंडिया में यहाँ पे लॉन्च होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi 9 की यहाँ पे फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे Redmi 9 की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे जो है आपको Redmi 9 में 6.53 इंचेस की जो है यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको HD प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। और बाकी एंट्री लेवल स्मार्टफोन है तो यहाँ पे HD प्लस का ही रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों Redmi 9 की बाकी स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे जो भी वीडियो डालें तुरंत आपके उसकी नोटिफिकेशन आ जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात कर Redmi 9 के डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पे जो है आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिलेगी और साथ में जो यहाँ पे ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश देखने को मिलेगी। एंट्री लेवल स्मार्टफोन है यार, यहाँ पे क्या ही और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप पॉलीकार्बोनेट बैक के अलावा। और साथ में बात करें यहाँ पे स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे जो है आपको MediaTek की तरफ से जो लेटेस्ट प्रोसेसर है यहाँ पे G25 जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और साथ में बात करें यहाँ पे इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पे Redmi 9 में आपको सिंगल 13MP का एक कैमरा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको डुअल कैमरा या ट्रिपल कैमरा नहीं देखने को मिलेगा। और साथ में जो है आपको यहाँ पे एक जो है 5MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ऑन एन एवरेज ईयर एंट्री लेवल स्मार्टफोन है तो आपको कुछ इसी तरीके का कैमरा देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और साथ में बात करें इसकी बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। साथ में जो है यहाँ पे आपको 10 वाट पर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको 18 वाट या फिर उससे ऊपर जो यहाँ पे चार्जिंग फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात करें यहाँ पे Redmi 9 के वेरिएंट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक होगा 232 GB का और एक होगा 332 GB का और एक होगा 464 GB का। जो 232 GB का बेस वेरिएंट है अगर मलेशिया की करेंसी को हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो आपको यहाँ पे 6300 का जो है आपको 232 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यार आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन 6300 के अंदर यहाँ पे इस स्मार्टफोन में जो है देखने को मिलेंगी। और दोस्तों यहाँ पर बात करें Redmi 9 की लॉन्च डेट के बारे में, तो यहाँ पे जो ये स्मार्टफोन है ये यहाँ पे जुलाई के एंड तक जो है यहाँ पे इंडिया में लॉन्च होगा। बाकी अभी Xiaomi की तरफ से तो कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि कभी इंडिया में लॉन्च होगा, बाकी रूमर्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे यार ये आपको जुलाई के एंड में ही देखने को मिलेगा। बाकी यार आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 6300 के अंदर क्या ये स्मार्टफोन आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराता है या नहीं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बने रहना Nexon Tech के साथ, फ्यूचर में अच्छी वीडियोज आती रहेंगी।